दोस्तों, अगर आपका अकाउंट SBI बैंक में है तो आपका बैलेंस चेक करने के दो मेथड होते हैं। या तो आप बैंक जाकर ब्रांच जाकर अपनी पासबुक के थ्रू अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं प्रिंट कराकर, या अपने ATM है तो ATM के थ्रू अपने ATM पर जाकर मिनी स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हम घर बैठे अपने मैसेज या कॉल के द्वारा अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप मात्र एक मिस कॉल से ही अपने SBI अकाउंट का बैलेंस चेक कर सकते हैं। दोस्तों, जब आपके SBI अकाउंट में पैसे निकाले जाते हैं, जमा किए जाते हैं, मतलब क्रेडिट किया जाता है, डेबिट किया जाता है, तब तो आपके पास SMS आता ही है। और आपको अगर बैलेंस चेक करना हो तो आपको होम ब्रांच जाना पड़ता है या आपको फिर ATM पर जाना पड़ता है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप एक मिस कॉल के द्वारा अपने SBI अकाउंट का पूरा बैलेंस चेक कर सकते हैं कि आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है। दोस्तों, इसके लिए दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं, उसके लिए बताने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन R पर प्रेस कर लीजिए आगे भी इस प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए। दोस्तों, वो दो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। पहली है, आपका SBI अकाउंट में एक फ़ोन नंबर लगा होना चाहिए, क्योंकि बिना SBI अकाउंट में आपका नंबर लगे होने से आपका मैसेज एक्टिवेट नहीं हो पाएगा। और दूसरा, आप जिस नंबर से आपको SMS करेंगे उस नंबर पर आपका SMS प्लान तो होना ही चाहिए, कभी कभी SMS प्लान के साथ में आपके पास बैलेंस भी होना चाहिए, क्योंकि इसमें सर्विस एक्टिवेट करने के लिए आपको 150 रुपये का बैलेंस कटता है। तो अगर आपके पास दोनों सर्विस प्रेजेंट हैं तो आपको आगे वीडियो में इसकी प्रोसेस बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप। ठीक है दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं इसकी पूरी प्रक्रिया। दोस्तों, आपको एक नंबर पर मैसेज करना होता है, वो नंबर पहले मैं टाइप कर लेता हूँ ऊपर, उस नंबर को है 7208933148। इस नंबर को टाइप करेंगे, जैसे इस नंबर को टाइप करेंगे और नीचे यहाँ पे इस नंबर पर आपको मैसेज भेजना होगा REG स्पेस अपना अकाउंट नंबर। दोस्तों, आपको एक बार फिर नंबर रिपीट कर देता हूँ मैं, नंबर है 7208933148। इस नंबर को टाइप करने के बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे आपको REG आपको कैपिटल लेटर में लिखना होगा और स्पेस अपना अकाउंट नंबर। REG मतलब स्टार्टिंग के रजिस्ट्रेशन के 3 अंक लिखने होंगे। और उसको टाइप करने के बाद आपको उस नंबर से मैसेज करना है जो नंबर आपने बैंक में दिया हुआ है, तो उस नंबर पर मैसेज करेंगे। फ्रेंड्स, जैसे इस नंबर से मैसेज करेंगे तो आपके पास एक बैक मैसेज आएगा रजिस्ट्रेशन का। फ्रेंड्स, मेरे नंबर पर एक मैसेज आ चुका है, डियर SBI कस्टमर, यू आर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड फॉर SBI क्विक फैसिलिटी, मतलब मेरा रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब जैसे रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो इसके बाद आपको क्या करना होगा, अब ये वीडियो में आपको इतना नहीं करना, आगे आपको मिस कॉल करनी होगी। तो मिस कॉल किस नंबर पर करनी होगी आपको बताता हूँ, वो नंबर वीडियो फुल देखिए बिना स्किप के। तो फ्रेंड्स, जिस नंबर से आपना अभी अपने रजिस्ट्रेशन किया है उस नंबर से आपको डायल करना होगा 9223766666। इस नंबर से टाइप करने के बाद आपने जिस नंबर से आपका एक्टिवेट, उस नंबर से कॉल करेंगे। The person you're calling is not answering. Please try later. आपन ज्या व्यक्तिस कॉल करीत आहात तो उत्तर देत नाही। फ्रेंड, जैसे इस नंबर पर कॉल करेंगे तो जैसे ही आपने देखा ये कॉल आपकी ऑटोमेटिक कट जाएगी, और ऑटोमेटिक कटने के बाद कोई भी फ़ोन रिसीव नहीं करता है, ये फ़ोन अपने आप कट जाती है। कॉल कटने के बाद आपके पास बैक एक मैसेज आएगा, हो सकता है इसमें आपको बैक आने में 1 से 2 मिनट का टाइम लग जाए, तब तक इसका वेट कर लेते हैं। कॉल कटने के बाद आपके पास जिस नंबर से आपने अभी रजिस्ट्रेशन किया है उसी नंबर पर आपको एक मैसेज आ जाएगा, और आपको उसमें आपको बैलेंस शो हो जाएगा इस टाइप से कि आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है। दोस्तों, फिर भी आपको कोई डाउट रहा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और आप अगर PNB का अकाउंट रखते हैं, आपको PNB की सर्विस चाहते हैं कि अपने मिस कॉल के द्वारा अपने PNB का अकाउंट कैसे बैलेंस चेक कर सकते हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, उसके वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नए टॉपिक और नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और बाय बाय। और दोस्तों, अब तक हमारे चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर लीजिए इस प्रकार की आगे भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए।